हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुराधा सिंह, स्कूल ऑफ साइंसेस, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टॉपिक साइटोलॉजी। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स ये कोर्स है आपका, इसमें से हम आपको आज साइटोलॉजी बताएंगे। व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी है क्या? साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के व्यवहार को, उसके स्ट्रक्चर को एंड उसके एवरीथिंग को जानने की जानकारी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। अब सेल तो है, लेकिन व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सेल इज द फंक्शनल, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या फिर कोई भी हो, वो सेल्स के बने होते हैं। जैसे घर बना होता है, कई ईंटों को मिला के एक एक दो दो करके ईंट के ऊपर रख के घर बनाते हैं, उसी तरह हमारी जो ये बॉडी होती है या प्लांट्स की बॉडी होती है, वो सेल से बनती है। सेल जो है डिवाइड हो के एक नंबर ऑफ सेल्स बनाती हैं और वो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती हैं। अब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मतलब ये इससे स्ट्रक्चर बनता है, बॉडी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है। और फंक्शनल मीन्स इसमें सभी जैविक क्रियाएं जो होती हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की या एनी ऑर्गेनिज्म की, वो सेल के अंदर होती हैं। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सभी जो है जीव जंतु, प्लांट्स हों या पौधे हों या एनिमल्स हों, वो सेल्स के ही बने होते हैं। अब देखिए, सेल तो है, लेकिन ये सेल जो है के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुई? सेल जो है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने एक कॉर्क में जो है वो सेल को देखा था। कॉर्क जैसे बोतल में लगे होते हैं एयर टाइट करने के लिए, कांच की बोतलों में पहले कॉर्क लगाया जाता था। अभी पहले ढक्कन लगा होता है जिसको ओपनर से खोला जाता है, पहले कॉर्क से उस बोतल को एयर टाइट किया जाता था। उसी कॉर्क की एक स्लाइस लेके इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था। इनके पास अपने खुद का माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इन्होंने खुद बनाया था। उसमें इन्होंने उस स्लाइस को देखा, उसमें इनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, जिसका नाम इन्होंने सेल रखा। अब ये सेल नाम क्यों रखा? क्योंकि सेल जो है एक लैटिन वर्ड से डराइव्ड हुआ है, जिसे कहते हैं सेलुला। सेलुला, सेलुला मीन्स होता है स्मॉल रूम्स। ये एक लैटिन वर्ड, भाषा का वर्ड है। तो सेलुला मीन्स स्मॉल रूम्स होता है। इनको स्लाइस में भी छोटे छोटे रूम जैसे दिखाई दिए थे, इसलिए इन्होंने इसका नाम सेल रख दिया। अब सेलुला लैटिन भाषा में, अभी सोचा है कभी आपने कि सभी जो है साइंटिफिक वर्ड्स जो है लैटिन भाषा में ही क्यों रखे जाते हैं मोस्टली? क्योंकि लैटिन भाषा जो है एक डेड लैंग्वेज है, इसको डेड लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इसमें न तो कभी कोई नया वर्ड ऐड होता है, न जोड़ा जाता है, न घटाया जाता है। इसलिए उसमें जो नाम रख दिया जाता है वो यूनिवर्सल होता है, इसलिए इनको, तो इन्होंने इसका नाम सेल रखा। उसके बाद अब ये देखिए, ये है 1665 की बात, 16वीं शताब्दी की। फिर 1674, यानी कि लगभग 10 साल बाद, एक और साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लीवेन हॉक। ये इनको साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक शॉपकीपर थे, लेंस का बिजनेस करते थे। इनकी दुकान पे इन्होंने खुद एक लेंस बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसके बाद उस समय का सबसे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप जो है वो एंटोनी वॉन लीवेन हॉक के पास था, जो कि सबसे एडवांस था। इन्होंने भी बनाया था, इनका माइक्रोस्कोप जो है प्रिमिटिव था, इनका माइक्रोस्कोप प्रिमिटिव था, लेकिन इन्होंने जो बनाया था ये सबसे उस सदी का सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में, एक दिन बारिश हो रही थी तो बारिश का ही एक ड्रॉप लेके इन्होंने स्लाइड पर रखा और उस स्लाइड को ऑब्जर्व किया। तो स्लाइड को ऑब्जर्व करने के बाद उसमें इनको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, उनको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और उस स्ट्रक्चर का नाम फिर बाद में रखा बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया कहा गया। तो बैक्टीरिया, इससे पहले तो माइक्रोस्कोप थे नहीं, तो
पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता, नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते। इसलिए इन्होंने जो देखा इसको, ये लिविंग सेल थी। इन्होंने कॉर्क में देखा था, सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन वो कॉर्क की सेल जो है डेड सेल थी, वो डेड सेल थी। तो इन्होंने सेल की डिस्कवरी की, लेकिन वो सेल डेड सेल थी, और इन्होंने जो सेल खोजी वो लिविंग सेल थी। उस लिविंग सेल का नाम था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज, अब सोचिए बैक्टीरिया की खोज भी इन्हीं के नाम जाती है। तो इन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की, प्लस उस सेल का नाम बैक्टीरिया था, तो बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने ही की थी। अब बैक्टीरिया, जैसा कि हम जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जब माइक्रोस्कोप ही नहीं था पहले, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते कहाँ से। तो पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इन्होंने ही खोजा था, उसी बैक्टीरिया को कहते हैं। तो फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किसे कहते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहते हैं। तो इनके नाम क्या क्या हो गए, इन्होंने पहली लिविंग सेल खोजी, प्लस बैक्टीरिया की खोज की, प्लस जो है ये फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा गया, क्योंकि ये इससे पहले तो माइक्रोस्कोप थे नहीं, इसलिए पहले डिस्कवरी हो नहीं पाई। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये साइंटिस्ट तो थे नहीं, इन्होंने बस अपनी जिज्ञासा के हिसाब से, इन्होंने साइंस जो है खुद पढ़ी थी। इनको सेल्फ टॉट मैन इन साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने साइंस जो है कहीं से कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया था, ये खुद पढ़ते थे, किताबें पढ़ के उसमें इनका इंटरेस्ट था, इसलिए वो जानकारी लेते थे। उसके बाद फिर देखिए, जब सेल की खोज हो गई, पहले तो सेल ही नहीं पता थी, जब सेल की खोज हो गई तो फिर उसके सेल के अंदर झांका गया, फिर माइक्रोस्कोप बने, उसके बाद फिर और अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आए, फिर सेल के अंदर झांका गया। फिर 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, न्यूक्लियस जो सेल के अंदर पाया जाता है। फिर 1835 में फ्लेसिक डुजारिन डिस्कवर्ड फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, तो सेल तो बना, सेल में न्यूक्लियस हो गया, अब सेल के अंदर जो है वो लिक्विड जैसा मटेरियल पाया जाता है, जिसको जो है इसकी खोज डुजारिन ने की थी, लेकिन इसको नाम जो है पुरकुंज ने दिया था। इसकी खोज इन्होंने की कि कुछ सेल के अंदर लिक्विड पाया जाता है, लेकिन कुछ ये नाम उसको नहीं दे पाए। फिर यही पुरकंजे ने 1839 को इसका नाम क्या रखा, कहा कि जो सेल के अंदर कंटेंट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। फिर देखिए 1838 में स्लाइडन प्रपोज ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, एक साइंटिस्ट थे स्लाइडन, जर्मन बॉटनिस्ट थे, क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बताया कि सभी प्लांट्स जो है वो सेल के बने होते हैं, सभी जो है प्लांट्स वो सेल के बने होते हैं। फिर 1839 में थियोडोर स्वान थे, इन्होंने बताया कि सभी एनिमल्स जो है वो सेल के बने होते हैं। अब स्लाइडन जो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बताया कि सारे प्लांट्स जो है वो सेल के बने होते हैं। फिर स्वान ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि सभी एनिमल जो होते हैं वो भी सेल के बने होते हैं। फिर देखिए 1845 प्रपोज सेल इज द बेसिक यूनिट लाइफ, तब इन्होंने इस निष्कर्ष पर निकला कि सेल जो है लाइफ की एक बेसिक यूनिट होती है, यानी कि सेल है तो जीवन है, सेल है तो जीवन है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर देखिए स्लाइडन ने प्लांट सेल बताई, इन्होंने एनिमल सेल बताई, फिर इन सारे लोगों के विचारों को मिला के एक थ्योरी प्रपोज की गई। थ्योरी जैसे सिंगल्स लोग अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक लोग के विचार होते हैं तो हाइपोथेसिस होती है, थ्योरी होती है जो कई लोगों के विचारों को मिलाकर उनको किसी एविडेंस के आधार पर एक निष्कर्ष जो कंक्लूजन निकाला जाता है उसको थ्योरी कहते हैं। तो स्लाइडन एंड स्वान ने एक थ्योरी दी जिसके अनुसार सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो है जीवन की इकाई होती है, सेल के बिना जीवन संभव नहीं होता है, एक सिंगल सेल भी होगी तो वो अपने जीवन, उसमें सारी क्रियाएं जो होंगी जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं। फिर 1855 में एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चो, अब स्लाइडन एंड स्वान ने ये तो बताया कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल से ही जीवन होता है, लेकिन ये सेल्स आती कहाँ से हैं, ये सेल्स
आती कहाँ है इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ये मानते थे कि ये डीनोवा सिद्धांत को मानते थे, यानी कि इनके अनुसार जीवन की उत्पत्ति जो है स्वतः हो जाती है, ये अपने आप उत्पन्न हो जाती है। लेकिन फिर रुडोल्फ विर्ट्ज़ ने बताया कि नहीं, कोई भी सेल जो है जीव अपने आप नहीं होती है, सेल को उत्पत्ति होने के लिए पहले एक सेल का होना जरूरी होता है। तो इन्होंने बताया कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एक सेल होती है वही डिवाइड करके एक नई सेल बनाती है। तो स्लाइडन एंड स्वान की थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाइड किया और उसमें एक पॉइंट और जोड़ा कि सेल जो है अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब देखिए सेल थ्योरी जो भी बताया हमने आपको, सेल थ्योरी इज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड कंक्लूजन फ्रॉम मेनी डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम दैट डिस्क्राइब्स सेल्स एंड हाउ सेल्स ऑपरेट। कई सारे आइडियाज का कंक्लूजन मिला के जो बनता है उसको सेल थ्योरी कहते हैं। अब सेल थ्योरी जो नई सेल थ्योरी बनी रुडोल्फ विर्ट्ज़ द्वारा, उसके अनुसार क्या था, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, सभी लिविंग थिंग्स जो है सिंगल सेल या एक से अधिक सेल की बनी होती हैं। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाई डिवीजन, सभी लिविंग सेल्स जो है ये पहले से जो एक सेल्स होती है उसमें डिवीजन के द्वारा एक नई सेल उत्पन्न होती है। मतलब नई सेल तभी बनेगी जब पुरानी सेल में डिवीजन होता है, तो उससे फिर नई सेल बनती है, फिर उसमें डिवीजन होगा, फिर नई सेल बनेगी। तो इसका मतलब, इनका ये कहने का मतलब था कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल अपने आप नहीं बनती है, सेल के लिए पहले सेल का, मदर सेल का होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, जो इसमें जैसे यूग्लिना है आपने पढ़ा होगा पहले, पैरामीशियम भी पढ़ा होगा एंड ईस्ट, ये सब क्या है, ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, इनकी एक सिंगल सेल ही होती है और ये सिंगल सेल में ही अपना पूरा जीवन खत्म कर देते हैं, इनको दूसरे सेल की आवश्यकता नहीं होती, इनकी सारी वाइटल एक्टिविटीज जो है वो एक सिंगल सेल में ही होती हैं। फिर नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल के बने होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे, एनिमल्स हैं, हम लोग भी हैं, ये सब क्या है, फंगस, ये सब जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि ये एक सेल के डिवाइड होने, शुरुआत इनकी भी सिंगल सेल से ही होती है, हमारा आपका जीवन भी सिंगल सेल से ही शुरू होता है, जाइगोट होता है सिंगल सेल, फिर उसमें डिवीजन होते 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 फिर पूरी बॉडी बनती है, तो फिर वो मल्टी सेलुलर हो जाता है। इसी तरह ये प्लांट्स हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर साइज ऑफ सेल, हर सेल की साइज भी अलग होती है, इनका जैसे स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा जो है वायरस होता है, ये सबसे छोटी सेल जो है ये माइक्रोप्लाज्मा की होती है, 0.1 μm होती है। फिर सबसे बड़ी, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी इसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इसको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। फिर लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है इसको हम, ये सिंगल सेल है लेकिन इसकी हम नेकेड आई से देख सकते हैं क्योंकि इसकी साइज जो है बहुत बड़ी होती है, लगभग 18 cm का होता है, तो इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। देखिए साइज ऑफ सेल्स इन ह्यूमन, ह्यूमन में भी साइज की सेल क्या होती है, ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो स्पर्म सेल होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल होती है जो लगभग 5 μm की होती है, और लार्जेस्ट सेल जो है ह्यूमन के केस में वो ओवम होती है। अब लॉन्गेस्ट सेल जो है नर्व सेल होती है, जो नर्व सेल्स होती हैं हमारी वो बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। अब देखिए शेप ऑफ साइज, अब सबका वो अलग, अब सबकी शेप जो है सेल्स का जो है शेप भी अलग अलग होता है और ये शेप डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे, उनके फंक्शन पे, जैसा उनका फंक्शन होगा उसी के आधार पर उनका शेप होता है। जैसे हमारी
आरबीसी ह्यूमन आरबीसी आर सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स फॉर इजी पासेज थ्रू द ह्यूमन कैपिलरी। ये सर्कुलर होती हैं, बाई कॉन्वेक्स होती हैं। इस स्ट्रक्चर के होने से क्या फायदा होता है कि वेन्स में आर्टरीज में आसानी से पास हो जाती हैं, इनका मूवमेंट जो है वो आसानी से होता है। फिर नर्व सेल्स आर ब्रांच टू कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। नर्व सेल्स जो होती हैं ये ब्रांच होती हैं। ब्रांच क्यों होती है? क्योंकि इनको कंडक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक से कोई इन्फॉर्मेंस होगी, ये चारों तरफ जो इनको फैलानी पड़ती है इन्फॉर्मेशन, इसलिए ये ब्रांच होती हैं। फिर देखिए ह्यूमन डब्ल्यूबीसी कैन चेंज देयर शेप टू इनगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटर द बॉडी। अभी ह्यूमन की डब्ल्यूबीसी देखिए, इस ये क्या करती है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, ये सुरक्षा का काम करती है। अगर बॉडी में कोई अनवांटेड ऑर्गेनिज्म आ जाता है, कोई अनवांटेड चीज आती है, तो ये उसको फाइट करके उसको मार डालती है, उसको खा जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब देख रहे हैं कंपाउंड, सेल को नेकेड आई से तो देखा नहीं जा सकता, सेल के लिए माइक्रोस्कोप होना चाहिए। पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बने जो कि कम एडवांस थे, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने। अब देखिए माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम लगभग किसी भी चीज़ का चित्र जो है 2000 गुना बड़ा देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या है, इसका मैग्निफिकेशन जो है 5 लाख गुना अधिक होता है। तो सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब देखिए सेल तो पढ़ा हमें, अब हम जानते हैं कि प्लांट्स भी सेल के बने होते हैं और एनिमल्स भी सेल्स के बने होते हैं। जब दोनों ही सेल्स के बने होते हैं तो दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है? अब देखिए प्लांट सेल में देखिए राइबोसोम्स इसके ऑर्गेनल्स हैं, अभी आगे बताएंगे आपको इसका स्ट्रक्चर पूरा। प्लांट सेल में जो है सेल वॉल पाई जाती है, सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो है प्लांट सेल का सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, और प्लांट सेल में एमाइलोप्लास्ट होते हैं जो इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए कॉमन चीज क्या है, राइबोसोम्स दोनों में पाए जाएंगे, लाइसोसोम दोनों में पाए जाएंगे, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियोलस दोनों में पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाई जाएगी, रफ इंडोप्लाज्मिक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में जो है वैक्यूल वो छोटी होती हैं और प्लांट सेल की वैक्यूल जो है वो लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं, ये अंतर होता है दोनों में। फिर पराक्सीसोम भी पाए, गॉल्जी एपरेटस भी पाए जाएंगे। फिर सेल मेम्ब्रेन जो पाई जाती है, ये जो है सबसे आउटर लेयर एनिमल सेल की क्या होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए सेल है, अब प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरिया को प्रोटोजोआ कहते हैं, इनको ना प्लांट्स में रखा गया है ना एनिमल्स में रखा गया है, क्योंकि इनके कुछ करेक्टर्स जो प्लांट्स से मैच करते हैं कुछ एनिमल्स से मैच करते हैं, इसलिए इनकी कैटेगरी बांटना थोड़ा टफ था, इसलिए इनको एक अलग ग्रुप में रखा गया जिसे प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज आती हैं। अब बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर देखिए, बैक्टीरिया क्या होती है, इसमें जो है सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो है ये 3 लेयर होती है, कैप्सूल सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट है ये कैप्सूल, ये सबसे बाहरी लेयर जो होती है कैप्सूल, ये स्लाइमी लेयर होती है, ये प्रोटोप्लास्ट के द्वारा सिक्रीट की जाती है। फिर उसके बाद एक सेकेंड लेयर होती है सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो है प्लांट सेल में भी पाई जाती है, लेकिन इसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। प्लांट सेल की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, इसलिए ये उससे थोड़ा डिफरेंट होती है। फिर सेल वॉल के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड जो लेयर होती है इसकी उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके द्वारा इसका साइटोप्लाज्म जो है वो सराउंडेड होता है। फिर इसके अंदर जो फ्लूड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर ये जो स्ट्रक्चर है इसको फ्लैजलम कहते हैं, इसके द्वारा बैक्टीरिया मूव करता है। फिर इसमें प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, जिसमें हिस्टोन नहीं होता। प्लांट सेल में या एनिमल सेल में देखेंगे उसमें
डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन से वो कोटेड होता है, इसलिए उसको क्रोमोजोम कहते हैं। लेकिन इसमें जो है सिर्फ डीएनए पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें राइबोसोम्स पाए जाएंगे, न्यूक्लियॉइड पाया जाता है, ये भी एक एक्स्ट्रा इसमें हेडेटरी मटेरियल पाया जाता है जिसे न्यूक्लियॉइड कहते हैं। और इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर दो देखते हैं, इसको पिलाई कहते हैं। पिलाई जो है ये कॉन्जुगेशन में, बैक्टीरिया के कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल आप देख ही चुके हैं क्या क्या होता है उसमें। फिर देखिए, अब प्लांट सेल से शुरू करते हैं। प्लांट सेल की सबसे बाहरी लेयर क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल होती है, ये नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, और ये प्लांट सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। ये प्लांट सेल को एक सेल शेप प्रोवाइड करती है। और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, हैवी सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, हैवी सेलुलोज की एंड पेक्टिन की। ये प्लांट सेल वॉल की बात की जा रही है। और ये नॉन लिविंग होती है, सबसे बड़ी चीज़ ये नॉन लिविंग होती है। अब देखिए इसका नेक्स्ट, जो प्लाज्मा सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है उसको, नेक्स्ट लेयर जो होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, ये लिविंग सेल होती है, सेल वॉल जो है नॉन लिविंग थी, प्लाज्मा जो है लिविंग सेल होती है। ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है, सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है ये कुछ ही ऑर्गेनिज्म को जो है ये अंदर आने देती, कुछ कंटेंट को जो है जो सेल के लिए बेनिफिट होगा उसको अंदर आने देगी, जो हानिकारक चीज़ें होती हैं उनको अपने अंदर बाहर से अंदर को नहीं आने देती, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट करके चीज़ों को अंदर लेती है। इसमें ये दो लेयर्स की बनी होती है, पहला लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन्स का एक सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मॉडल दिया था, फ्लूड मोज़ेक मॉडल। क्या दिया था, फ्लूड मोज़ेक मॉडल। एक लिक्विड होता है उसके बीच बीच में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो सरफेस की तरफ प्रोटीन्स पाए जाएंगे उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं लिपिड में घुसे हुए उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। अब इसका फंक्शन देखिए, मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल, जैसा बताया मैंने, प्रोटेक्ट इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है, फूड होता है, उसका प्रोटेक्शन कर देती है। रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मेंटेन होमोस्टेसिस। अब देखिए सेल हो गया, अब सेल किस तरह, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कंटेंट होता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और प्रोटोप्लास्ट में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटीज जो है ये न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होती हैं। डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन 1831, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। ये स्फेरिकल जैसा देख रहे हैं, गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन, ये देख रहे हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड दीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर इंटरप्टेड बाई सम पोर्स। ये देख रहे हैं बीच बीच में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है, जहाँ पे एक पोर बन जाता है जिसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, ठीक। और दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, अब ठीक है, जैसे सेल की आउटर कवरिंग हुई सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है, जो कंटेंट होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है ये क्रोमेटिन्स का नेटवर्क रहता है।
क्रोमेटिन्स का जो है ये धागे समान जो रचना दिख रही है ये सब क्या है, ये क्रोमेटिन्स है। क्रोमेटिन्स यानी इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स होते हैं। तो ये क्रोमेटिन जो है कंडेंस होकर जब डिवीजन होता है उस समय ये क्रोमोजोम बनाते हैं। उससे पहले जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में ये धागे की तरह इसी तरह एक नेटवर्क की तरह फैले रहते हैं, इसे क्रोमेटिन नेट कहते हैं। अब इसमें एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस होता है। देखिए क्या न्यूक्लियस है, डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं बताया मेम्ब्रेन है पोर्स ऑफ डायमीटर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स जो बताए मैंने वो कितने होते हैं, लगभग 80 से 100 एनएम होते हैं। कलर डेंस सैप प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेंस राउंड शेप न्यूक्लियोलस नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। फाइबर्स आर कंपोज ऑफ डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। दीज फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये मैंने आपको भी बताया था। अब देखिए न्यूक्लियस हो गया, अब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्लूड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होल जो स्ट्रक्चर होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन उसमें से अगर न्यूक्लियस हटा देंगे, न्यूक्लियस प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो कंटेंट होगा उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो में ये जेली मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। देखिए जेली लाइक मैट्रिक्स फॉर्म बाई 80% ऑफ वाटर, इसमें जो है 80% जो है वो वाटर होता है। प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। कंटेंस अ क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल एंड वेरियस पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड लिपिड्स एंड ऑर्गेनिक आयंस। ये उस फ्लूइड में पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ऑल्सो कंटेंस मेनी ऑर्गेनल्स, ये बताया सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं इसमें। कंटेंस मेनी ऑर्गेनल्स विद डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें से कुछ ऑर्गेनल होते हैं जिनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब देखिए सेल ऑर्गेनल पढ़ा हमने, सेल ऑर्गेनल में पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, ये भी एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर एंड थॉमसन ने। ए नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर विच आर इंटर कनेक्टेड विद वन अनदर। देख रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, ये अलग नहीं होती हैं, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये सब पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैली होती हैं, न्यूक्लियस से लेके न्यूक्लियस पोर से ये शुरू होती हैं, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैली होती हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ग्रेनुलर होती है, इसे दानेदार स्ट्रक्चर जो ये देख रहे हैं इसमें दाने जैसा दिख रहा है, ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं, इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। तो इन राइबोसोम की प्रेजेंट की वजह से इनको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। और सेकेंड होती है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इनका काम होता है लिपिड का स्टोरेज। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है गॉल्जी बॉडी, देख रहे हैं ये भी एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी डिस्कवरी जो है कैमिलियो गॉल्जी ने की थी। फॉर्म बाई स्टार्ट ऑफ 5 to 8 मेम्ब्रेनस सैक्स, देख रहे हैं ये लगभग 5 से 8 तक मेम्ब्रेनस सैक होती हैं। और इनका काम क्या होता है, मॉडिफाइड सॉर्ट्स एंड पैक्स मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल्स। लाइसोसोम, लाइसोसोम जैसा कि जानते हैं स्मॉल स्फेरिकल सिंगल में, ये सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अकर्स इन मोस्ट एनिमल सेल्स एंड फ्यू इन टाइप ऑफ प्लांट, ज़्यादातर एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में बहुत कम मिलता है। इनका काम क्या था, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, प्रोटेक्ट सेल बाई डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इनवाइडर लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस।
इनके अंदर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको ये डिग्रेड कर देता है, उनको एंजाइम सिक्रीट करके उनको नष्ट कर देता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं क्योंकि ये कभी कभी वो उन्हीं एंजाइम से खुद को भी हानि पहुंचा लेता है, इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल इसमें मोस्टली कंटेंट जो है वाटर का होता है। ये प्लांट सेल में बड़ी होती है और एनिमल सेल में ये छोटी होती है। इसका मेन फंक्शन होता है इंक्लूडिंग वेस्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट को जो है अपने अंदर स्टोर करती है। फिर है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन नेस स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये आउटर देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन को, ये आउटर मेम्ब्रेन है और एक जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये है इनर मेम्ब्रेन। ये माइटोकांड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है और इसको ये फोल्ड होके जो स्ट्रक्चर बनाती है इसको क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और इसके जो अंदर का फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें देखिए स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गन बाउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन्स इनर एंड आउटर। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनक्लोजेस द कंटेंट ऑफ माइटोकांड्रिया। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ लाइक इनवर्ड प्रोजेक्ट कॉल्ड क्रिस्टी। इनर कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स विच कंटेंस मेनी एंजाइम्स कंटेन देयर ओन डीएनए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी एंजाइम। इसमें डीएनए भी पाया जाता है। फंक्शन सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड ATP, ATP मॉलिक्यूल प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ATP जो है किसी भी वाइटल एक्टिविटी के लिए जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक होती है क्योंकि ATP से ही सेल को एनर्जी मिलती है, सेल को एनर्जी मिलती है। और इस ATP का फॉर्मेशन कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में होता है। इसलिए माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। फिर क्लोरोप्लास्ट देखिए। प्लास्टिड्स जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। इनका काम होता है भोजन बनाना। अब इनमें देखिए प्लास्टिड्स कई तरह के हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो है इसमें कलर होते हैं, कई तरह के पाए जाते हैं कई कलर। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये ग्रीन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट का में होता है इलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। यानी ये प्रोटीन को स्टोर करता है, ये एमाइलोप्लास्ट को करता है और ये इलायोप्लास्ट को कंटेन करता है। जैसे ये देखिए कैरेट, कैरेट में पिगमेंट होता है, कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से इसका ये कलर होता है। अब मैंगो का कलर देखिए येलो है, ये किस वजह से होता है? ये जैंथोफिल की वजह से होता है, इसमें पिगमेंट होता है जैंथोफिल, इसकी वजह से ये येलो होता है। टोमेटो जो है ये रेड होता है क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है लाइकोपिन। तो ये सब क्या है? ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से इन चीज़ों का कलर होता है। फिर ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो ये कलरलेस होते हैं, जैसे आप देखो पोटैटो ट्यूबर है, ये स्टार, इनका काम होता है स्टोरेज, ये जो है भोजन का स्टोरेज कहते हैं, स्टोरेज करते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स ये स्टार्स का, मेज ग्रेन्स हैं ये प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, एंड कस्टर्ड सीड्स होते हैं ये ऑयल का स्टोरेज करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जैसे जानते हैं कि ये प्लांट सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक। और बीच में इसमें थाइलाकॉइड्स पाए जाते हैं और बीच का जो इसका लिक्विड होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और ये बीच में ग्रैनम पाए जाते हैं, थाइलाकॉइड जो है कई थाइलाकॉइड स्टॉक में इकट्ठे होते हैं तो उनको ग्रैनम कहा जाता है। अब इसका मेन फंक्शन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड मेनली इन प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। यूजुअली स्फेरिकल डिस्क्वायर्ड इन शेप, शोज टू डिस्टिंक्ट रीजन्स ग्रैना एंड स्ट्रोमा। इसके जो डबल मेम्ब्रेन के अंदर होता है दो रीजन्स इसमें होते हैं, ग्रैना एंड स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड कंटेंस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या कहिए बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नहीं कर सकते हैं। फंक्शन इसका जैसा कि बताया मैंने, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये सन की जो है जो
लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उससे फूड बनाते हैं. प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू लीफ स्टेम्स एंड वेजिटेबल्स. और फूड ग्रीन को लीव्स को स्टेम्स को एंड वेजिटेबल्स को ग्रीन कलर उनका किस वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है. साइटोस्केलेटन. साइटोप्लाज्म में बहुत सारे माइक्रो ट्यूबुल्स पाए जाते हैं जिनके जो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं. इनका फंक्शन होता है डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल. सेल को शेप उसका बनाए रखने के लिए गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल. ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट. और सेलुलर मूवमेंट में के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. फिर देखिए प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया भी मैंने बताया था आपको. तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं. और यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये नॉर्मल सेल्स होती हैं जो एनिमल्स एंड प्लांट्स में पाई जाती हैं. दोनों में अंतर क्या होता है? मेन अंतर होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में जो है डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा. डीएनए तो पाया जाएगा लेकिन वो फ्री फॉर्म में पाया जाएगा. इसमें जो है यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें डीएनए पाया जाता है. इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. जैसे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें ऑल अदर गॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स के सभी आ जाएंगे. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. एनिमल सेल प्लांट सेल पढ़ चुके हैं. एनिमल सेल में क्या होती है? एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है. इसमें भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है बस प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है. प्लांट सेल में सबसे आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल वॉल होता है. और एनिमल सेल में सबसे आउटर स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. इसमें प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिससे ये अपना भोजन बनाता है. एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं. इसमें वैक्यूल्स छोटी साइज की होती हैं और प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है वो बड़ी साइज की होती है. थैंक यू. चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में. धन्यवाद.